हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पापड़ पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो फुल देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं पापड़ पकौड़ा के लिए। ये उबला हुआ आलू कद्दूकस किया हुआ, अदरक लहसुन, बेसन और हमारे पास ये पापड़ है, शंकर पापड़ है, आप लीजत पापड़ भी ले सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। बाउल में डालेंगे हम ये उबला हुआ कद्दूकस किया हुआ आलू। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद डालेंगे हम हरी धनिया, उसके बाद तीखी मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डालकर हम सारी चीज़ें मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, एक बाउल में डालेंगे हम बेसन 1 कप। इसमें डालेंगे मिर्ची तीखी वाली, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। अब इसमें डालेंगे दरदरी तीखी मिर्च, अदरक लहसुन डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, पतला से घोल बना लेंगे पानी डालकर। हमने घोल बना लिया है। अब इसको साइड में रखेंगे। हम पापड़ लेंगे। अब पापड़ में हम जो आलू का मसाला तैयार किए हैं उसको लगाएंगे। पूरे पापड़ में हम फैला लेंगे अच्छी तरह से आलू का मसाला। आप चम्मच से फैलाइए, हाथ से फैलाइए, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे फैला लीजिए। ये हमने फैला लिया है। अब इसको हम बंद करेंगे। पहले तो हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको जैसे त्रिकोण पराठा हम बनाते हैं वैसे फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम जो बेसन का घोल बना के रखे हैं हम उसमें इसको डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोट करेंगे। कोट करने के बाद हम इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। एक साइड हो गया है, हम इसको दूसरी साइड पलट रहे हैं। अब हम एक बार और आपको दिखाएंगे डिप करके। ये हमने पापड़ में आलू मसाला भर लिया है और हम बेसन के घोल में डिप करेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसको गरम तेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये हमने डाल दिया है। दूसरा वाला हमारा पापड़ पकौड़ा सेक चुका है, तल चुका है, उसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना लेंगे। ये हमारा पापड़ पकौड़ा बनकर तैयार है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़ों को बच्चों को खिलाइएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा पापड़ पकौड़ा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।